भाई और बहनों दिमाग लगाना और सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट नहीं, अब मैं पहले डाउट ले लेता हूँ, तब तक तो 2 मिनट में मैगी बना ले, ठीक है? तब तक मैं डाउट ले लेता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ पे सुन रहा है, नोबल गैस कन्फिग, देखो एक क्वेश्चन है इसका, क्या नाम है, नोबल गैस का मतलब, नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? देखो सुनो, मैंने तुम्हें सिंपल सा मतलब बताया था कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 2 की तरफ भागता है, जैसे कि हाइड्रोजन, या फिर सारे के सारे 8-18 की तरफ भाग रहे होते हैं। मतलब ये कि एक रूम के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, हर एलिमेंट चाहता है कि उतने फिल हो जाए। मतलब अगर मान लो सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट के पास सेकंड शेल है ना, तो वो चाहेगा उसके अंदर 8 पूरे भरे हुए हो, ठीक है? जैसे थर्ड शेल में 18 आते हैं, किसी एलिमेंट के पास थर्ड शेल है तो वो चाहेगा, सॉरी थर्ड में भी 8 ही आते हैं, ठीक है? और अगर फोर्थ शेल है तो उसमें 18 चाहेगा। मतलब जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो चाहते हैं कि उतने इलेक्ट्रॉन आ जाए। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? इसीलिए हर एलिमेंट क्या करता है, भागता है अपने उस, मतलब अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। आ रहा समझ में? तो ऑक्टेट पूरा करने के तरीके को क्या बोला जाता है? अब देखो, मान लो फर्क, पहली बात तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब, नोबल गैस का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझ लो, नोबल गैस का मतलब है 18th ग्रुप, ठीक है? 18th ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, वो सारे नोबल गैसेस होते हैं। अब नोबल का पहले तो नोबल का मतलब ही क्या है, नोबल का मतलब अगर इंग्लिश वर्ड के हिसाब से देख रहे हैं, नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा। आया सर मैंने कहा मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या नाम है, वो होता है ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बच्चा बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, मतलब इसके बहुत अच्छे अच्छे, मतलब सारे अच्छे काम करता है, जो भी है बहुत अच्छा, लोगों की हेल्प करता है, तो ये इज अ नोबल पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं नहीं बताऊँ इंग्लिश, वो बात अलग है, ठीक है? तो नोबल का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। अब बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या वर्ड क्यों काम कर रहा है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है। जो 18th ग्रुप एलिमेंट होता है ना, 18th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं, मैं लिख देता हूँ, हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, ठीक है, और ज़ेनॉन आता है, और रेडॉन आता है, ठीक है? ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है? ये सारे एलिमेंट का ऑक्टेट जो होता है ना, पूरी तरह से फिल्ड होता है। अब दूसरी बात ये कि जब इनका ऑक्टेट पूरी तरह से फिल होता है, ये सारी गैसेस होती है, क्योंकि जब ऑक्टेट पूरी तरह से फिल है तो ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। और रिएक्ट करने का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो लोगे, या तो शेयर करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे इलेक्ट्रॉन के साथ। ये कुछ भी नहीं करते, ये अपने आप में मस्त रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना आराम से बैठे रहते। अगर इनसे कोई ज्यादा ही विग्रसली रिएक्ट करना चाहता है तब ये रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इनको नाम ही दे दिया कि नॉर्मल लोग है। समझा मैंने क्या बोला? अब सुनो जरा ध्यान से, नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है। मान लो फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम नंबर होता है 17, फिर 2, 8 और 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसके आउटर शेल में 8 हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये किसी से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। और जब रिएक्ट जो नहीं करता वो कौन हो जाता है? अच्छा इंसान की तरह हो जाता है ना? और जब अच्छा इंसान हो गया तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, किसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली, नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा ली है, अटेन कर ली है। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में पूरी तरह से, तो अगर पहले नहीं थे और अब आ गए हैं, तो इसका मतलब उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई है। समझ आया? और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कहां से आया? 18th ग्रुप से आया, क्योंकि उसमें सबकी ऑक्टेट हो रहा है। जैसे कि ये है हीलियम, इसके आप 2 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो 2 तो आउटर मोस्ट शेल में अपने चाहिए होते हैं। नियॉन का पता है कितना होता है? 10 होता है। इसको तोड़ना जरा 2, 8, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसको तोड़ना जरा 2, 8, 8, ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? आया समझ आने क्या बोला? ऐसे सबका ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? चलो आराम से पढ़ाना प्लीज, मेरा 9th में 80/100 आए हैं। वो तो क्या करूँ, साइंस में नेक्स्ट, अच्छा ये अच्छा पॉइंट लिखा है, साइंस में नेक्स्ट टाइम 90+ जाएंगे, अच्छी बात है। नहीं गए तो मैं तुमको फेंक दूंगा, ठीक है? मैंने ऊंचा सा घर बनवाया, ठीक है? मैंने कहा आराम से पढ़ना, ठीक है? अच्छा आराम से पढ़ना, अच्छा सॉरी, तो कोई बात नहीं। तो तूने अभी अनम्यूट करके सबको बता दे कि तू कौन है, मैंने नाम थोड़ी बोला था, ठीक है? तो मैंने बड़ा सा घर बनाया, वो भी कर्जा लेगा, तुम फीस तो दे नहीं रहे हो, ठीक है? तो हर जगह से घूम के फीस पे बात आ जाती है, बात अलग है। तेरे को धक्का दे दूंगा ऊपर से अगर तेरे नंबर नहीं आए, किसी के भी नहीं आए तो, ठीक है? देखो 3 फ्लोर है, अगर किस पहली बार धक्का दिया, अगर वो बच गया, हाथ पैर टूटे, तो मैं उसको दोबारा उठाकर लेकर आऊंगा, फिर धक्का दूंगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरी बारी में तो खेल खत्म हो ही जाना चाहिए ना, 3+3 6, है ना? तो चलो सुनना ध्यान से, आज क्या पढ़ना है यार, आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो क्या था, हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था कि कार्बन कैसे रिएक्ट करता है। कितने आए यार, अभी तो बहुत सारे नहीं आए, क्या चल रहा है आजकल? अच्छा सुबह भी तो आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनना ध्यान से।
अभी तक हमने पता है क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब ये जो भी है हमने जितने एलिमेंट पढ़े सबका हमने क्या पढ़े थे, एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, मतलब कि सब अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे थे, और वो भी कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। आया समझ में? मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एलिमेंट अगर कोवेलेंट बॉन्ड से अगर ऑक्टेट पूरा कर रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा उसे, उसको सिंपल सा मतलब है यार, नोबल गैस कंफ्यूज, सॉरी, उसको अगर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसे शेयरिंग करनी पड़ेगी। हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग एलिमेंट के लिए पढ़ा था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सबके लिए पढ़ा था, और किसी के लिए भी पढ़ सकते, तुम्हारी मर्जी हो। फिर हमने कार्बन के लिए पढ़ा था, और कार्बन में हमारे साथ चलाकी करने की कोशिश कर रहा था भाई, वो कर तो सकता नहीं है ना, हमारे साथ चलाकी करने की कोशिश कर रहा था कि पहले दिया उसने C2H6, फिर दिया C2H4 और फिर दिया C2H2, हमने सबके बॉन्ड बना दिए। आया समझ में? मैंने क्या बोला, अब बात आती है कि आगे होगा क्या, मतलब देखो हमने जब कुछ चैप्टर स्टार्ट करा था ना, तो मैंने एक टॉपिक से स्टार्ट करा था ये चैप्टर, और वो टॉपिक क्या था तुम्हें याद है, कि कार्बन सबसे ज्यादा फेमस क्यों है भाई, ऐसा कार्बन में क्या है, कार्बन हर जगह पर फैला रहता है, हर जगह पर जाता रहता है। आया समझे मैंने क्या बोला इसको, अब ये कार्बन इतना ज्यादा फेमस क्यों है, अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उससे पहले एक चीज समझना जरा ध्यान से, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक है उसके अंदर एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, आप दिमाग लगाना, और आज का जो टॉपिक है, मतलब इस सेशन का जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, ये दिमाग लगाना, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा है ये भी इस दिमाग में डाल लो, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड कैसे बनाता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, और अलग अलग एलिमेंट, अगर कोई सा एलिमेंट दे दे तुम्हें, कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो सिंपल लॉजिक है, शेयरिंग करेगा, जितने कम पढ़ रहे हैं वो पड़ोसी से ले लेगा और पड़ोसी उससे वापस लेगा, उतने जितने उसने दिए थे उतने ही वापस ले सकता है, ये भी याद रखना। समझा है मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन की, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, एलोट्रॉफ, ठीक है। तो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन तो छोड़ो, पहले हम एलोट्रॉफ वर्ड का मतलब समझते हैं, एलोट्रॉफ, ठीक है। सुनना, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम पढ़ने के बाद बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, तुमने क्या करा, तुम यहाँ से थोड़ा दूर गए, यहाँ से थोड़ा दूर मतलब और दूर चले गए, और वहां पे जाके अपना ट्यूशन सेंटर खोल दिया। आ रहा है, ऐसा करना मत, ट्यूशन सेंटर बहुत बेकार चीज है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, सच बोल रहा हूँ मैं। अब तुमको लगेगा कि भैया पैसे की वैल्यू बताती है ऐसे करते हैं, ऐसा सच में है कि भाई बहुत बेकार प्रोफेशन है, ठीक है। खुद सोचो ना, तुम जैसे बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, वो क्या छोड़ो, आगे से बढ़ते हैं, ठीक है। सुनना, तो अभी तक हमने, मैं क्या बोला था, हाँ, मान लो तुमने एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया, एक दूसरा स्टूडेंट था वो भी पढ़ा, उसने कहीं और जाके ट्यूशन सेंटर खोल दिया, तो मतलब क्या है कि मेरी वजह से वो बन रहे हैं, अब तुम अपनी मेहनत से बन रहे हो बात अलग है, ठीक है, मेरी वजह से बन रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके उस चीज को फैला रहे हैं। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? वैसे सिंपल सा लॉजिक है, कार्बन या फिर कोई, चलो एलोट्रॉफ वर्ड की बात कर लेते, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट से अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, और जब वो कंपाउंड बनकर एग्जिस्ट करते हैं तो उन चीजों को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉफ बोला जाता है। हम टॉप, मतलब इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जब एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जब एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है तो उस तरीके को क्या बोला जाता है, उन सबको क्या बोला जाता है कि उस एलिमेंट की वो सारी एलोट्रॉफ है। आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है, उससे बनी हुई चीज है तो उससे बनी हुई एलोट्रॉफ है। आया समझ मैंने क्या बोला, मेरे ट्यूशन से तुम पढ़ करके तुमने अपने ट्यूशन सेंटर खोल दिए, फिर तुमने उन्होंने खोल दिए, तो तुम सब क्या हो, मैं हेड हूँ, है ना, और मेरे एलोट्रॉफ हो, देख रहे हो। समझ आया मैंने क्या बोला, मतलब ट्यूशन मत जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सुनना ज्यादा दिमाग में आके कि ठीक है भैया, एलोट्रॉफ में ये होता है, ये तो चलो समझ में आ गया, अब क्या कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कार्बन अलग अलग तरह की चीजें कंपाउंड बना देता है, अलग अलग तरह की चीजों से एग्जिस्ट करता है, और उन सब चीजों को क्या बोला जाता है, एलोट्रॉफ बोला जाता है। तो कार्बन की कितनी एलोट्रॉफ होती है, कार्बन की मेनली 3 एलोट्रॉफ होती है। आया समझ मैंने क्या बोला, मेनली 2 ही है, लेकिन एक तीसरी अभी अभी डिस्कवर हुई है, अभी अभी का मतलब 40-50 साल पहले, ठीक है ना, उसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुक भी बहुत पुरानी है, तो इसलिए हम वो छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, खत्म करें, लेकिन हम मेनली 2 चीजों पर फोकस करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल लॉजिक आ गया टॉपिक का, कि एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन का मतलब होता है जब एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन बोला जाता है। आया समझ में? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से कि ठीक है भैया, एलोट्रॉफ का मतलब समझ आ गया, एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन का मतलब समझ में आ गया, तो अब है कौन कौन से एलोट्रॉफ ये तो बता दो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली एलोट्रॉफ से, जिसका नाम पता है क्या है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा ग्रेफाइट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पहली एलोट्रॉफ का ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, क्या करता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, पक्का।
का समझ आया मैंने क्या बोला, दिमाग लगाओ, अपनी बुक किताब को छोड़ो, मेरी तरफ देखो, ठीक है, लिखना नहीं है कुछ भी पहली बार, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो एलो, और जो लेट आ रहे हैं ना भाई, टाइम से आया करो, 2:30 का टाइम है, इसमें पहले ही मैसेज डाल देता हूँ कि 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 मैं हमेशा यही करता हूँ, सिर्फ इसी, ये नहीं है कि मतलब टाइम पास चल रहा है, सिर्फ इसलिए मैसेज डाला जाता है क्या, ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ अगले 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पानी वानी पीना है, आराम से बैठना है, स्पॉट ढूंढना है कि कहाँ पे बैठ के पढ़ना है, शांति रहे, ये सब के लिए बोला जाता है, ये नहीं है कि तुम टाइम पास कर रहे हो कि और मतलब अभी चलो 5 मिनट बोला है तो हम तो 10 मिनट बाद जाएंगे, ये घर की क्लास नहीं है, घर में बैठे हुए हो तुम आराम से पढ़ रहे हो, इसलिए प्लीज नेट ही तो ऑन करना है, नलायक को। अगली बार से मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग, है ना, फिर आ ही नहीं पाओगे बैठे रहना, ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहला एलोट ऑफ क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, ये समझना जरा ध्यान से। तो सबसे पहला पहले पॉइंट क्या है इसका, कि जो ग्रेफाइट होता है ना वो कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अरे भैया वो तो पता है, ये याद रखना है ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं इस मतलब जहाँ पे मेरा ये सेटअप रखा हुआ है टेबल, इस पर जो भी सामान रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है, 2D में, अगर ये मान लो उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँ कोई चीज, ठीक है, यहाँ पर वो चीज है हवा में, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, 3D में हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है, तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले भी अच्छे से समझा सकते हैं इस चीज को, लेकिन मैं तुम्हें ट्राई कर सकता हूँ समझाने का, जो कि मैं अच्छे से समझा दूंगा पता लगे, ठीक है। समझा, अगर मान लो 2 एक्सिस है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स ये वाली, वाई ये वाली, और अगर मान लो एक तीसरी एक्सिस भी आ जाए, दैट इज जेड, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें 2 एक्सिस थी ना, तो कोई चीज यहाँ पर आ सकती है, सिर्फ यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये तीसरी एक्सिस भी आ जाएगी, तो कोई चीज यहाँ पर हवा में आ जाएगी, समझाया मैंने क्या बोला, जिसको क्या बोला जाता है, 3D, तुम्हें पता ही है बात, ठीक है। 3D अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं दिखा देता सही से क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम अपने घर की एक एज को देखो, ठीक है, एज को देखो, तो एक एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही होगी, एक उधर की तरफ जा रही होगी, और एक नीचे की तरफ आ रही होगी, एक पॉइंट है ना, तो एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, एक को जेड मान लो, बीच में कोई चीज है, ठीक है, तो वो 3D है, तुम्हें पता ही है यार अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल लॉजिक है कि ये कौन सा होता है, 2D फॉर्म में होता है। अगर ये 2D फॉर्म स्ट्रक्चर है तो सरफेस पर पड़ा रहेगा, समझाने क्या बोला, हाँ, इसीलिए तो ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, ये किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, कसम जा रहा है क्या कह रहा हूँ, इसीलिए दिमाग लगाना कि ये पहली बात है 2D स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तीसरी बात, इसमें जो हर एक कार्बन होता है ना, याद रखना, जब ग्रेफाइट और जो डायमंड है ना, मतलब अगला जो हम एलोट्रॉफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ कार्बन से बने होते हैं, इनके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आता, ठीक है, सिर्फ कार्बन 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 से बने होते हैं, ये याद रखना दिमाग में बस, ठीक है। कहीं तुम सोचो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, कोई और अगर नहीं, एलोट्रॉफ का मतलब ये है कि एक एलिमेंट एक ही एक्सिस्ट कर रहा है, हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ही अलग अलग तरीके से एक्सिस्ट कर रहा है, कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है। तो कार्बन कार्बन आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर कार्बन जो होता है ना, दिमाग लगा रहा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्बन होता है ना, हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक कार्बन अलग 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। अब एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा, इसके लिए एक नाम दिया गया है, ट्राइवेलेंट। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, और वैलेंसी का मतलब होता है कितनों से जुड़ सकता है वो। मेरे 2 हाथ है तो मेरी वैलेंसी कितनी है, 2, तो मैं डाइवेलेंट। आया समझ मैंने क्या बोला, तुम्हारे हाथ पैर अगर मान लो है, तुम्हारे 4 होंगे ना, अच्छा जानवरों के, तो सॉरी तुम्हारे नहीं होंगे, ठीक है, 2 है तुम्हारे भी, तो तुम में डाइवेलेंट हो, तुम में से अगर कोई है तो वो क्या होगा, 4 वाला होगा, टेट्रावेलेंट होगा, लेकिन अभी हम ट्राइवेलेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका हर एक बॉन्ड क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। तुम्हें मैं बताता हूं ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, सुनना ही था। यहां पर होता ये है कि हर एक कार्बन ना, हर एक कार्बन अगले 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये कार्बन भी 3 से जुड़ा हुआ होगा, एक तो इसी से जुड़ा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, ये भी 3 से जुड़ा हुआ, एक तो इससे जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, ये भी 3 से जुड़ा हुआ, एक इधर, एक इधर, फिर ये भी 3 से जुड़ेगा, एक इधर, एक इधर, अगेन फिर ये भी 3 से जुड़ेगा, एक इधर, एक इधर, और एक इधर है, ये एक इधर है, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, फिर इसके साथ भी, देख रहे हो कैसे फैलता हुआ जा रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, हर एक कार्बन 3-3 कार्बनों से जुड़ते हुए जा रहा है। तुमने दिमाग लगाया, लेकिन तुमने एक चीज दिमाग नहीं लगाई, वो पता है क्या, क्योंकि तुम बेवकूफ हो भाई साहब। चैप्टर के स्टार्टिंग से गाना गाते हुए आ रहा हूं मैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, है ना। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 चाहिए होते हैं भाई। यहाँ पे तो हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है भाई, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखना, हर कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं, ये तो गलत है,
है ना, इसीलिए। लेकिन ट्राइवेलेंट तो है ही, तो फिक्स बात है। तो पता होता क्या है, इसके बाद कोई ना कोई एक बॉन्ड ना डबल बॉन्ड होता है, जैसे इस कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, ये अगला कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। समझा रहे हैं क्या कह रहा हूँ, हर कार्बन का एक ना एक डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि आज इस कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है, इसका हो गया, तो ये आगे कहीं पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आगे कहीं पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका इसके एक दो तीन चार हो गए। इस कार्बन को देखो, एक दो तीन, मान लो इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। समझा रहे हैं क्या कह रहा हूँ, इस कार्बन को देखो, एक दो तीन, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब ये कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके चार हो गए पूरे, देखो आरएसएन में मैंने क्या बोला। तो हर एक कार्बन क्या करता है, कार्बन से जुड़ता तो है लेकिन उनमें से कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। समझ आया, चार बॉन्ड हो गए, स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। इस चीज को और आगे अच्छे से समझ लोगे तो टेंशन मत लो, ठीक है। हर एक कार्बन की स्टेबिलिटी भी आ गई और कार्बन का कंपाउंड भी आ गया, इसीलिए हर एक कार्बन तीन कार्बनों से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट। और इसी वजह से ये एक रीजन है कि 2D स्ट्रक्चर होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जब हम डायमंड पढ़ेंगे तो तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी ये बात। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, दिमाग लगा लगा। ग्रेफाइट सबसे पहला एलोट्रॉप है जो कि 2D स्ट्रक्चर होता है, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है और ट्राइवेलेंट होता है। इतना समझ आया मैंने क्या बोला। अगली बात सुनो जरा ध्यान से, कि ये होता ये, अच्छा चलो भैया ठीक है, ये इनके काम चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, कुछ खासियत है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। पता है तुम्हें ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें याद है लास्ट क्लास में क्या बताया गया था, तुम्हें लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि कार्बन इज अ नॉन मेटल, म्यूट कर लो यार, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और अगर कार्बन एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आया समझ में, क्या चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी एक्सेप्शन, ठीक है। कार्बन से बना हुआ एक एलोट्रॉप दैट इज ग्रेफाइट, वो एक एक्सेप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता नॉन मेटल। आया समझ में क्या बोला, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझाया मैंने क्या बोला। अब बात आती है कि यूज कहाँ पे किया जाता है, कि भैया चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि हमने ये सब पढ़ लिया, मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि यूज कहाँ पे की जाती है टेक्निक। अच्छा अच्छा अच्छा, यूज बताना है इस टेक्निक का, बिल्कुल। तो चलो बात करते हैं कि टेक्निक कहाँ पर यूज की जाती है, मतलब इस चीज का, इस ग्रेफाइट का कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट यार, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसको पता है कहाँ पे यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे यूज लिखता हूँ, बता दो उसको। इसका यूज देखना जरा ध्यान से, इसका सबसे पहला यूज पता है क्या है, इसका सबसे पहला यूज है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इसका पता है किसमें यूज किया था, सेल देखा है तुम लोगों ने, सेल बैटरी, उसके अंदर एक रॉड होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट रॉड है भाई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है ना, इलेक्ट्रोड इन सेल बोल रहे, फिर बैटरी बोल लो, इलेक्ट्रोड से सेल, ठीक है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो कौन करता है, वो हमारा दोस्त ग्रेफाइट। आया समझ में मैंने क्या बोला भाई, ग्रेफाइट करता है ये काम, इसको दिमाग में बिठा लो, पहली चीज, पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा, उसके अंदर जो पाउडर पड़ा हुआ होता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था कि वो अलग अलग कंपाउंड जैसे क्लोरीन का, वो क्या तो क्लोरीन वगैरह मैग्नीशियम वगैरह का पेस्ट होता है, पेस्ट वाला पाउडर होता है, वो अलग काम है, लेकिन जो रॉड होती है वो इससे बनी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। आया समझ मैंने क्या बोला, तो सबसे पहला काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुमने वो देखी होगी पेंसिल, है ना, पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल पेंसिल शादी कैंसिल भाई, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर जैसे तुम लिखते हो ये क्या है, मतलब अलग अलग वो यूज करते हैं, जैसे कि लेड वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो पेंसिल लेड, ये तो पेंसिल किससे बनी होती है, इसी से बनी होती है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, मैं दो दो तीन तीन यूजेस बता रहा हूँ तुम्हें, डिटेल्ड पढ़ने हैं, ये तुम पर डिपेंड करता है भाई। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और क्या यूज हो सकता है इसका, जहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो मैं भूल ही गया, सुनो जरा ध्यान से भाई, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज पता है क्या है, कि फ्रिक्शन को कम करता है। और अगर कोई चीज फ्रिक्शन को कम करती है तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रीस, भूल गए, अरे डीके स्कूल का प्रिंसिपल सर, ठीक है, मैं बात कर रहा था ग्रीस, ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम द मोस्ट, ठीक है। एक चीज बताऊं तुम लोगों को, क्या नाम है, किसी भी टीचर ना, मतलब कोई भी टीचर, उन्होंने मतलब एक बात बोली थी अच्छी और जो मेरे को अभी तक याद है, कि अगर आपका दोस्त भी है ना और आपको एक अच्छी चीज पढ़ा सिखाता है, ठीक है, मतलब अगर आपका एक दोस्त आपको अच्छी चीज सिखाता है तो ही इज योर टीचर, मतलब इन रिस्पेक्टिव मैनर, ठीक है, कि मतलब आप उस मैनर में आप उसका वो आपका वो टीचर है। तो वो चीज सच में मेरे को अभी तक स्ट्रक कर दी, कि मतलब
होता है ना कि हम चीजें सीखते रहते हैं, तो जैसे होता है ना कई सारी चीजें हम स्टूडेंट से भी सीख रहे होते हैं, तो वो सच में वो एकदम मतलब प्योर फैक्ट है। तो इज वन ऑफ द मतलब अच्छा टीचर आई गॉट, मतलब बेस्ट टीचर आई गॉट, ठीक है ना। तो आज एक मतलब मेरे को इसलिए भी याद आ रहा है क्योंकि मेरे आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा, मैंने वो डाला होता ना कि मॉर्निंग बैच स्टार्टेड, तो मतलब वो शायद 12th पास आउट है, 12th कर लिया उसको याद नहीं है, ठीक है। तो उसने मतलब मैसेज करा कि यार भैया मैं भी ज्वाइन कर लूँ क्या, मतलब ऐसी वजह में। तो कह रहा मतलब उसने भी ये लिखा कि यार बनाऊ जो भी है, बट अब तुम्हें समझ गए हो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को याद है कि हाँ यार हमारे भी टीचर है ना, मतलब एक दौरा से होता है कि हमको याद आती है स्कूल की, या जो तुम अब तो तुम्हें याद आ रही होगी जब तुम 6-7 महीनों से नहीं गए, सोचो जब तुम स्कूल से निकल जाओगे, कॉलेज से निकल जाओगे, तब कितनी याद आएगी। मुझे बहुत याद आती है, पिछले साल क्या था, मैं सुबह सुबह 5:30 बजे बाइक से सर्दियों में, बड़ा मस्त था। चलो ठीक है, छोड़ो उसको, ठीक है। संध्या ग्रीस, ठीक है। तो ग्रीस का मतलब क्या होता है, जो फ्रिक्शन कम करने में डाला मशीन में। अच्छा एक चीज को यूज कर सकते हैं, मशीन ऑयल, ठीक है। तो इन सब चीजों को यूज किया जाता है जब फ्रिक्शन कम करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आया समझ में मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो ये सारे इसके यूजेज है, मैं 2-3 बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो, ठीक है। लेकिन ये जरूर याद करना है, ठीक है, जो बोर्ड पर लिखे हुए पॉइंट, जिसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ठीक है। चाहे अब मैंने ऐसे उस क्लास में करा था, उसका थंबनेल ऐसे आ गया था, है ना, ठीक है। तो या फिर क्या नाम है, इसको जो भी करना है वो करो, लेकिन इसको याद करो फटाफट से, ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ पूछना तो पहले पूछ लेना साथ साथ, भैया न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है। हाँ यार, मतलब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस चीज को बनाने में हम यूज कर रहे हैं, तो वो अलग यूजेज है, ठीक है। जो कॉमन यूज होते हैं ना, हम हमेशा उन चीजों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और 10th क्लास में तो हम जानबूझ के उन चीजों की बात कर रहे होते हैं जो कॉमन यूजेज होते हैं, है कि नहीं। तो मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने बता दिया, फिर तुम में से किसी का डाउट है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, अब हो जाएगी ना दिक्कत, ठीक है। चलो पूछो फटाफट से, भैया वो जो आपने ट्राइवेलेंट का स्ट्रक्चर बताया था ना, वो उससे पता कैसे चलेगा कि 2D है वो? अरे पाउडर फॉर्म में बनता है यार वो, आगे जाके तुम पढ़ लोगे कि ये बॉन्ड जब डबल और ट्रिपल होते तो उसका कैसे वो मतलब बनता है वो, ठीक है। तो अभी के लिए तुम याद रखो कि वो 2D है, मतलब पाउडर फॉर्म में सिर्फ 2D है, और ये जो बना रहा था स्ट्रक्चर में मिटा दिया, वो 2D ही बन सकता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये रीजन है उसका। ग्रीस क्या होता है, ग्रीस नहीं पता क्या तुम लोगों को? अरे ग्रीस यार वो मशीन में डलता, ब्लैक कलर का होता है, क्या कहते हैं उसको, जो फ्रिक्शन कम करता है। मतलब जैसे मान लो साइकिल चला रहे हैं, तो घिसती है ना साइकिल, उसके बीच में ग्रीस डाल देते हैं, जैसे मतलब उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, उसको कम कर देता है वो, यार समझो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई शटर है ना, शटर को ऊपर नीचे करते हैं तो बड़ी गंदी सी आवाज करता है ना, उसमें ग्रीस लगा देते हैं, उससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है। मशीन वाइल यूज करते हैं जैसे, वैसे ग्रीस यूज करते हैं, जैसे फ्रिक्शन कम हो जाता है वो आवाज कम करता है और स्मूथली मूव करता है। अगर आवाज करेगा घिसेगा तो वो घिसती हो जाएगी ना, उसके जो नट बोल्ट होंगे वो खराब हो जाएगा, जैसे ग्रीस लगा देते हैं, जैसे फ्रिक्शन कम हो जाए, वो घिसे भी कम, आवाज भी कम करे और लंबा समय तक चले। आया सुन मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो हटो स्क्रीन शॉट, ये ले स्क्रीन शॉट, ठीक है। मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए, मेरी शक्ल भी आनी चाहिए, हो गया, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, अगला एलोट्रॉफ पता है क्या है भाई, अगला एलोट्रॉफ है डायमंड, ठीक है, अगला एलोट्रॉफ है डायमंड। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, यहाँ पर ठीक है। अगला क्या है डायमंड, अगर नहीं पूछना किसी को, यार इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बड़े ही प्यारे लगे अभी मैसेज पढ़ते हुए आप, अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, डायमंड। चलो मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ धीरे से पढ़ता हूँ, जब मेरी बुराई हो रही थी तो मैं तेज की पढ़ लेता हूँ गलती से, दिक्कत है यार ये, मेरे को पहले रीड करना पड़ेगा, मेरी तारीफ होगी तो मैं तेज की पढ़ लूंगा उसको, ठीक है। चलो सुनना जरा ध्यान से, दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ यहाँ पर मतलब, ठीक है। तो सुनना डायमंड, ठीक है, डायमंड का मतलब क्या होता है समझो जरा ध्यान से। पहली बात ये कि ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ वरना तुम कर दोगे सब बराबर, ठीक है। ये क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तुम इसको हाथ में पकड़ सकते हो, पाउडर को भी पकड़ सकते हो, मैंने भी बताया पाउडर फॉर्म, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो फ्लैट होता है, ठीक है। लेकिन डायमंड क्या होता है, एक उभरा हुआ पार्ट है, 3D स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, वो पाउडर फॉर्म था, देख रहे हो कितना अंतर है, कार्बन से बनी हुई है दोनों चीजें, एक पाउडर थी और एक वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल,
ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, अंतर याद रखना ठीक है। अरे भैया आप गलत बोल रहे हो क्या, क्योंकि नॉन मेटल में पढ़ा था कि वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आप कह रहे हो हार्डेस्ट, भाई एक्सेप्शन है ये, याद आ रहा है कि डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल जो कि नॉन मेटल की एक एक्सेप्शन है, पक्का समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है यहां तक। अगला पॉइंट पता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब समझ रहे हो, हर एक कार्बन अगले चार कार्बन से बॉन्ड बनाता है, हर एक कार्बन अगले चार कार्बन से बॉन्ड बनाता है, हर एक कार्बन चार कार्बन से बॉन्ड बनाता है, हर एक समझ गया ना मतलब, ठीक है, हर एक कार्बन क्या करता है अगले चार कार्बन से बॉन्ड बनाता है और फैलता हो जाता है, ये फैलने की बात भी हम थोड़ी बात करेंगे, छोड़ो उसको, याद समझ आया मैंने क्या बोला। तो हर एक कार्बन क्या करता है, चार मतलब चार और कार्बन से जुड़ता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, टेट्रा, ठीक है, चार और वैलेंट मतलब इसके हाथ, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, टेट्रा वैलेंट, तो इसकी वैलेंसी कितनी है चार, मतलब हर कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट चार एटम चार और कार्बन एटम से जुड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रा वैलेंट। आया समझ मैंने क्या बोला। तो सबसे पहली खासियत क्या थी कि 3D स्ट्रक्चर होता है, दूसरी खासियत क्या थी, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, और थर्ड खासियत क्या है इसकी, तीसरी खासियत ये है ये टेट्रावेलेंट होता है। एक सेकंड भैया, ग्रेफाइट तो पेंसिल में यूज होता है तो फिर वो 3D होगा यार, अरे यार उसको ना बनाया गया है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, वो है 2D ही भाई, वो है 2D ही, दिमाग मत लगा, पाउडर फॉर्म में होता है वो, ठीक है, पता समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब देखो बनाओ तुम किसी भी तरीके से, ऐसे तो वो जो है ये जो डायमंड है इसको तोड़ तोड़ के पाउडर फॉर्म में कर दो, है कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है, 10 मिनट बच्चे क्लास के, लेकिन मतलब जो उसका मेन जो कंपाउंड बनकर तैयार होता है वो इस तरीके से ही होता है, तो हम उसी के नाम पे नाम याद रखेंगे ना यार, समझ आ रहा है, सुनना, ठीक है, तो टेट्रावेलेंट समझ आ रहा है, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या था कि हर कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हर एक कार्बन अगले चार एटम से मिलता है, तो उसको कहते हैं टेट्रावेलेंट, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, आगे समझना जरा ध्यान से, वो ये कि जो डायमंड होता है ना, क्या बता रहा था इसके अंदर मुझे, ठीक है, उसका पॉइंट क्या था, एक बार कोई नहीं, मैं कोई आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, अभी के लिए ये समझो, ठीक है, तो कार्बन वो डायमंड, एक और पॉइंट समझ दो उसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, सुनो, देखो यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक प्योर कार्बन है मेरे पास, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास एक प्योर कार्बन है, ठीक है, अगर प्योर कार्बन को आप हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखोगे ना, दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, अगर प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब बहुत ज्यादा दबाव और हाई टेम्परेचर का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, जब मिलती है ना तो प्योर कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डायमंड के अंदर, आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला, याद रखना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम प्योर कार्बन को ठीक है, अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तो वो प्योर डायमंड बन सकता है, समझाया मैंने क्या बोला, वो बात अलग है कि जो नेचुरली अपनी डायमंड होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये वाला बना हुआ होगा वो क्या होगा, थोड़ा छोटा साइज का होगा, लेकिन होगा वो ओरिजिनल बिल्कुल प्योर, आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर हम प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखने लगते हैं तो क्या होगा, वो प्योर डायमंड, ऐसा मत करना कि कहीं से निकालना कार्बन या ग्रेफाइट निकाल लिया और गैस पे चढ़ा दिया अम्मी रखा रहे उसको, ऐसा नहीं होता, ठीक है, अर्थ के सरफेस के नीचे होता है ना हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो इस वजह से तभी बन पाता है, माइंस बेसिक तो मिलता है, तुम्हें पता ही होगा माइंस में मिलते हैं ये, ठीक है, खैर छोड़ो उस चीज को, ठीक है, यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान, इसके मतलब डायमंड को कैसे बनाया जाता है, अगर हम प्योर कार्बन को करें हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है, तो भैया हम भी ज्वेलरी बना सकते हैं, हाँ घर में बैठे बैठे यही करो, क्या करना है, बुक के स्ट्रक्चर तो अलग से लग रहे हैं ग्रेफाइट और डायमंड के, तो बुक के स्ट्रक्चर देख ले, मेरे स्ट्रक्चर बने हुए देख ले, ठीक है, तो पता लग जाएगा, ठीक है, सेम चीज है, बस दिखाने में अंतर है, मैं भी बुक शेयर कर दूंगा तब तक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ वो क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो अब समझना जरा ध्यान से, यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, अब बात आती है इसके यूजेस की, ठीक है, टाइम कम है, इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, फिर जो थर्ड टाइप है वो हम अगले सेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके यूजेस समझ रहे हैं, ठीक है, तो पहला यूज पता है क्या है, क्या इसका पहला यूज तुम्हें समझ ही आ गया होगा, क्या यूज आ गया होगा कि भाई, अच्छा हाँ ये बहुत ज्यादा शाइन करता है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है, वैसे ये वाला पॉइंट देना कुछ और ही पॉइंट है ना, भूल गया उसको, याद आ जाएगा वो तो, है कोई बात नहीं, ठीक है, इसकी क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, बहुत ज्यादा चमकता है, अगर ये बहुत ज्यादा चमकता है, इसकी शाइन नहीं जाती है, तो इसका एक यूज तो समझ में आ गया, ज्वेलरी, भाई साहब ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी का मतलब क्या हो गया, रिंग वगैरह हो गई, या नेकलेस जो भी बनाते हैं, ठीक है, वो सब बनाने में क्या यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, आ रहा है समझ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकता है,
इसीलिए इसको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है और बहुत महंगा होता है। आ रहा समझ में? मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा पॉइंट समझना। देखो यार, मैंने अभी भी बताया कि जो डायमंड होता है ना, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है। इतना ज्यादा हार्ड होता है कि बहुत चीजों को काट सकता है ना। इसीलिए याद रखना कि जो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन होती है ना, नॉर्मल वाली ड्रिल मशीन और इनका जो कांच काटने के लिए यूज की जाती है, स्पेसिफिकली कांच काटने वाला जो कटर होता है, उसके आगे पता क्या लगा हुआ होता है? डायमंड लगा हुआ होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि प्योर डायमंड लगा देंगे, कुछ पीस लगाते हैं उसके, ताकि उसको एकदम एक्यूरेटली प्रिसाइजली काट सके। समझा रहे हैं? मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी जो ड्रिल मशीन होती है उनके आगे लगाया जाता है, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो एकदम काटते हुए उसको चले जाए। समझा? अगर मान लो आयरन लगा देता हूँ, लोहा लगा देता हूँ, तो लोहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो टूट जाएगा। समझा रहे? मैं कह रहा हूँ मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन डायमंड क्या करता है? वो सारा प्रेशर झेल लेता है। सोच रहे कितना स्ट्रॉन्ग है ये? ठीक है, नोट कर लो यार। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है, ये यूज किया जाता है और क्या नाम है, नाइफ वगैरह में। ठीक है, अब नाइफ का मतलब ये मत समझ लेना। ठीक है, इसको ये लगा सकते हो कटर वगैरह, ठीक है, या फिर ड्रिल मशीन। ठीक है, ड्रिल मशीन से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर ये यूज किया जाता है जो कांच काटने वाले जो होते हैं ना कटर्स, उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल प्रिसाइजली कट करते हुए जाता है। तुमने देखा होगा किसी वक्त, तुमने अगर देखा होगा कांच वाले को काटते हुए। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने ऐसे देखा है, तो वो लेगा ना, वो जब अपना कटर उसको ऐसे रखता है, वो चलाता है और कांच फूल जाता है ना, तो इतना प्रिसाइजली और एक्यूरेटली काटता है। ठीक है, और ना ज्यादा शार्प होता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आगे समझना जरा ध्यान से। दो चीजें समझ में आ गई मैंने क्या बोला। थर्ड यूज एक और बता देता हूँ, उसके बाद जो भी यूज होंगे तुम पढ़ते रहना, मुझे करते रहना। ठीक है, एक और यूज बता देता हूँ। एक और यूज पता है क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनकी विंडशील्ड बनाई जाती है। अब तुम बोलोगे एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, फिर तुम बोलोगे विंडशील्ड क्या होती है, फिर मैं बोलूंगा तुमने लायक हो। सुनो, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो क्या नाम है, लड़ाकू विमान है ना, फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो उनकी जो वो, क्योंकि बहुत स्पीड से 400 किलोमीटर पर आवर, अगर मान लो स्पीड से कोई जा रहा है, तो उसके कांचों पर बहुत तेजी से प्रेशर नहीं पड़ेगा, है कि नहीं भाई, बहुत टूट सकते हैं। इसलिए उसको किस बनाया जाता है, उनमें डायमंड यूज किया जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट तो होगा और साथ साथ में पता है क्या होगा, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। समझा रहा है? तो अब क्या करना है, तुम्हारा मेन मुद्दा क्या है, जितने भी रफाल आए सब पे अटैक करना है। ऐसा कर मत देना भाई। ठीक है, मेरा नाम एक पता है तुम्हें, क्या नाम है एक, मतलब तुमने सुना ही होगा उसका, मतलब वो है, मतलब ऑनलाइन टीचिंग का एक प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, तो उनका एक टीचर था, उसका नाम भी अवस्थी था, पता है उसका नाम मैं भूल गया, उसकी कास्ट अवस्थी थी। तो वो मैं ट्विटर मतलब यूज कर रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, उस बंदे ने क्लास में क्या बोल दिया था कि मतलब ऐसी गनवन की कुछ बात कर रहा था वो, अब ये भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या, ये बात अलग है। ठीक है, तो उसने वो बात बोली, तो वो वायरल हो गया था कि मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे टीचर पढ़ा रहा है, ये क्या है ये, उसका नाम भी अवस्थी था। प्लीज बख्श देना मुझे, ये हल्का सा कट करके देखो क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे करते हैं, पता है तुम्हें, ऐसे किया जाता है आजकल, उतना पार्ट कट कर दे। उससे पहले कुछ अच्छा चीज बोली हो, वो कह रहा था कि मैंने पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग था, तो मैं कुछ बात जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ कि एक पेंसिल दो, दोनों तरफ से कट करो, अगर तुम्हें चेक करना है तो दोनों तरफ से छिलो और आगे बोर्ड बैठाओ, पीछे से मजे करो। ठीक है, तो फिर मैंने इतना तो बोल दिया, उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि अब जैसे मैंने इतना बोल दिया, अब इतने को कट करके डाल दिया जाएगा। अब ये देखो क्या पढ़ाता है टीचर। लेकिन बाद में मैंने क्या बोला कि भाई करना मत ऐसे, इससे करंट लगता है, लेकिन ये बात थोड़ी सुनाई दी है, तो खैर वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे मत करना भाई। ठीक है, तो छोटा सा गुड निकाल के चलो भैया आपको वायरल करते हैं। ठीक है, सुनो इधर, मैंने समझा तो मैं फाइटर प्लेन का बता रहा था। ठीक है, तो उनकी विंडशील्ड्स वगैरह में यूज किया जाता है, ताकि वो हार्डनेस यूज वो आ सके। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की विंडशील्ड, विंडशील्ड का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है कार में भी तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, आया समझ में क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे, अभी 3 मिनट बचे हुए, 3 मिनट से थोड़े कम। भैया जो आई सर्जन होता है वो भी करता है यूज, हाँ वो भी करता है, मेडिकल पर्पसेस में यूज किया जाता है। ठीक, मैं तीन बता रहा हूँ ना यार, ज्यादा बताऊंगा तो मेरा तो ऐसे टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे को याद करने हैं। ठीक है, उनमें से जितने भी याद होंगे तो फिर तुम याद करो, जो तुम्हें आसान लगेगी उनमें से याद करो, फिर दो तीन। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इसका नाम अगले सेशन, इसके बारे में कुछ है नहीं वैसे। अच्छा, मैं इसको इसी में खत्म कर देता हूँ, इसके बारे में कुछ है ही नहीं, सुन लो इधर अभी। ठीक है, बकमिंस्टर फुलब्राइट। ठीक है, इसका नाम पहली बार तो आया कहाँ से, ये इसको खोज किसने करी थी, इसको खोज करी थी एक आर्किटेक्ट ने जिसका नाम था फुलर। ठीक है, ये है क्या, सिंपल सा लॉजिक है, 60 कार्बन का एक झुंड है, 60 कार्बन को जोड़ो एक साथ, 60 कार्बन को एक साथ जोड़ो एक फुटबॉल की शेप में।
ठीक है, 60 कार्बन को एक एक से मतलब कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक फुटबॉल की शेप ले लेंगे, ठीक है। तो जो फुटबॉल की शेप जो बनकर आई है ना, उसको कहते हैं मतलब उसका नाम लेंगे पोटेंशियल फुटप्रिंट। उसकी यूजेस वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, क्योंकि इस बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना। खत्म बात, एलोट्रॉप्स खत्म। अगले सेशन में हम क्या यूज करेंगे, बहुत छोटा नेम है, हाँ पता है भाई मुझे, आई नो दिस, ठीक है भैया। विंडशील्ड में प्योर डायमंड तो यूज किया नहीं जाता ना, वो डिपेंड करता है मतलब फाइटर प्लेन के ऊपर, उसके औकात के ऊपर, ठीक है। फाइटर औकात का मतलब है कि वो किस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। यार समझ आया, तो स्क्रीनशॉट लेना है साइड ऑफ बेसिकली मैं क्या कर रहा है, ऐसे बोल देगा भैया थोड़ा सा साइड प्लीज प्लीज, तो तुमने आज तक सीखा ही नहीं होगा, पता है मुझे, हो गया एक मिनट से कम बचा है भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। एक बात याद रखो, स्क्रीनशॉट लो प्लीज, अच्छा बाद में लिख रहा है, ठीक है। एक बात याद रखो कि पढ़ाते जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मत लिखो, जैसे स्क्रीनशॉट लेना था मैंने ज्यादा कुछ लिख दिया बोर्ड पर, फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज लो। देखो मैं ज्यादातर मैं लिखता कम हूँ, मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, ठीक है, जानबूझ कर, ताकि मेरा फोकस डायरेक्ट बना रहे, तुम्हारा मतलब कंसंट्रेशन, जैसे मैं पूरा तुम्हारा कंसंट्रेशन डिवाइड होने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादातर ना मतलब आई कॉन्टेक्ट बना के बात करता हूँ, इसीलिए होता क्या है कि तुम्हारे दिमाग में तुम सीधा एकदम फोकस्ड हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझा करो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, बाकी टीचरों का मुझे नहीं पता, ना किसी और सब्जेक्ट का पता। मैं जब बोल रहा होता हूँ ना, मैं कई सारी चीजें ऐसी एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा, तो मैं लिखता कम हूँ, ठीक है, मेरा मार्ग बहुत ही चल जाता है।